एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। लॉकडाउन के मद्देनजर सीमा सील। लॉकडाउन के बावजूद भी लखनऊ के मोहनलालगंज में लोगों का आवागमन जारी। उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों का आप करें अवलोकन। CNTV के कैमरे से राकेश कुमार की रिपोर्ट। वाहनों को जांच करती पुलिस। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में CNTV के कैमरे से। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे मोहनलालगंज से पेशे से अधिवक्ता। मेरी आपसे एक अपील, जिस तरह भारत सरकार विश्व स्तर पे इसे लड़ा जा रहा है, भारत सरकार प्रबल ताकत के साथ कोरोना वायरस से लड़ रही है और अपने भारत की रक्षा कर रही है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम लोग बाहर ना निकलें। घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है, और उसके बाद एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, एक दूसरे के सहयोग से ही हम इस वायरस से लड़ सकते हैं, और ये मास्क पहन के ही निकले। अगर आपको जुखाम है या ऐसे ही नॉर्मल फीवर जुखाम है, फिर भी आप मास्क पहने, और अगर नहीं है तभी मास्क पहन कर ही बाहर निकलना है, ये कसम खानी है, और निकलना ही नहीं है। विशेष काम हो, जैसे दूध लेना है, सब्जी लेना है या कुछ हो, तो परिवार से एक सदस्य जाए और तुरंत सामान लेके आ जाए, क्योंकि जरूरी सामान राज्य सरकार और भारत सरकार छूट दे रही है, आप ले सकते हैं, परंतु याद रखें भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं करनी है और एक दूसरे का सहयोग करना है। कोरोना वायरस के बारे में लोग हल्के में इसको ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। इटली जैसे महान देश इससे ग्रसित हैं, और चीन जैसे महान देश इससे ग्रसित हैं और हार रहे हैं। रोज सैकड़ों की तादाद में वहां मृत्यु हो रही है, लेकिन भारत लड़ रहा है। यहां पे अभी 470 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं पूरे भारत में। 7 केसेस ऐसे हुए जिसमें जो है कोरोना से मृत्यु हो गई है। तो मैं जागरूक करना चाहूंगा, और एक बात और, अफवाहों पर ध्यान न दें और अफवाह न फैलाएं। पैनिक नहीं होना है, मास्क लगा के ही कार्य करना है। और दोस्तों, मेडिकल स्टोर में हमको जो है सैनिटाइज लेना है, स्प्रिट बिल्कुल नहीं लेनी। सैनिटाइजर मांगो, सैनिटाइजर ही लो, क्योंकि कोरोना वायरस सैनिटाइजर ही कोरोना वायरस को मारता है। मित्रों, अफवाहें न फैलाएं, विनम्र निवेदन है, आप कोरोना वायरस को हराएं, हमारा साथ दें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। CNTV चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे।